स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की मनमानियां, कौमी खजाने पर भारी। स्पीकर ने असम्बली मुलाजमीन को 31 करोड़ की एजाजी तनख्वाहें दे डाली। स्पीकर ने वजीर आजम और वजारत खजाना से इजाजत देने की जहमत भी ना की। उस्मान खान से तफसीला जान लेते हैं। उस्मान खान, बताइएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल मदीरा, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की मनमानियाँ। असद कैसर ने सरकारी खजाने को जो है वो करोड़ों का नुकसान दे दिया है वजीर आजम की मंजूरी के लिए बगैर ही। स्पीकर कौमी असम्बली ने जी बिल्कुल मदीरा, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की मनमानियाँ। असद कैसर ने सरकारी खजाने को जो है वो करोड़ों का नुकसान दे दिया है वजीर आजम की मंजूरी के लिए बगैर ही। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुलाजमीन को 3-3 एजाजी तनख्वाहें दे दी। वजारत खजाने ने भी कहा 3-3 एजाजी तनख्वाहें देने की इजाजत नहीं दी। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने 31 करोड़ रुपए की मद में मुलाजमीन को 3 एजाज तनख्वाहें फराम की। वजीर आजम ने कौमी असम्बली इजलास में कहा था कि वो बादशाह नहीं है, लिहाजा वो वजारत खजाना से बात करेंगे और अगर वजारत खजाना के पास पैसे मौजूद है तो वजीर खजाना से वो बात करके इस मामले को हल करने की यकीन दहानी करवाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान आपका।